अपनी चौखट और दहलीज के दायरों से निकलना सचमुच बेहद मुश्किल होता है। हम एक दूसरे देश की, एक दूसरी धरती की कामना करते हैं अपने बड़े सपनों को साकार करने के लिए, और पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं एक अदद जिंदगी की तलाश में। घर बार छूटा, माँ बाप छूटे, दोस्त यार छूटे, और ये सब खो कर भी शायद मंजिलों का दीदार अभी बाकी है। कोई कह सकता है, अमां तो फिर वापस क्यों नहीं लौट गए। मेरे एक प्रिय कवि मंगलेश डबराल की चंद पंक्तियां याद आती हैं कि मैंने शहर को देखा और मुस्कुराया, मैंने शहर को देखा और मुस्कुराया, वहां कोई कैसे रहता है यह जानने में गया और वापस नहीं लौटा। गली के मुहाने पर जब मैं लौटता था तो माँ अपने आशीर्वाद, प्यार, सुरक्षा कवच वाले हाथ विदा के लिए उठाकर हमेशा मुझे विदा करती थी, पर आज लगता है गली के उसी मुहाने पर उसकी ममता अभी भी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। उसके वो हाथ रोकते थे शायद, जाने के लिए नहीं कहते थे। जाने वाले हो सके तो लौट के आना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे। पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, फिर जाए जो उस पार कभी लौट के ना आए। है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना।